नमस्कार, मैं हूं गौरव श्रीवास्तव। प्राइम डिबेट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और यहां पर तमाम तरह के मुद्दे चर्चा में हैं, पर इन मुद्दों की चर्चा के बीच एक महत्वपूर्ण विषय ये भी है कि उत्तर प्रदेश सरकार के दूसरे कार्यकाल के 6 माह पूरे हो चुके हैं। 6 महीने पूरे हुए और जब योगी सरकार का दूसरा कार्यकाल शुरू हुआ, 37 साल पुराने मिथक को तोड़कर दोबारा सत्ता में आई बीजेपी, तब कहा जाता रहा कि इस बार जो कार्यकाल रहेगा वो और सक्रिय रहेगा, और वैसा हुआ भी। और एक रोडमैप बनाकर यहाँ पर योजनाओं की समीक्षा करना, योजनाओं को प्रस्तावित करना, उनको बनाना और जनता तक पहुँचाना और जनता के लिए लगातार काम करना, इस तरह की तमाम रोडमैप की बात कही गई और उसी रोडमैप के हिसाब से अब काम होता नजर आ रहा है। 6 महीने का रोडमैप, 3 महीने का रोडमैप, 100 दिन का रोडमैप, 1 साल का रोडमैप, 3 साल का रोडमैप, इस तरह की एक समय सीमा निर्धारित की है कि हर काम एक समय सीमा के अंदर हो और समय समय पर उसकी समीक्षा अधिकारी भी करें और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ स्वयं समय समय पर अलग अलग जिलों में जाकर उन सभी व्यवस्थाओं की और सभी योजनाओं की एक व्यक्तिगत समीक्षा करते नजर आ रहे हैं। व्यक्तिगत समीक्षा इसलिए बोलूँगा क्योंकि उनका स्वयं हर योजना में क्रियान्वयन, हर योजना की समीक्षा में स्वयं का उनका एक उनका लग रहा है, यानी खुद उनका एक इच्छा शक्ति जागृत कर रही है कि हम इस योजना की समीक्षा करें, इस योजना के क्रियान्वयन को देखें और इस योजना से जो लाभ होगा जनता को वो भी हमको मिले। कि समीक्षा करना ही महत्वपूर्ण नहीं होता, समीक्षा करने के साथ अगर जो कोई कमी है उसको लेकर दिशा निर्देश भी देना, उसको लेकर क्रियान्वयन की स्थिति भी देखना, और अगर समीक्षा में ये भी आता है कहीं कमी है तो उसको दिशा निर्देश देकर उसको दुरुस्त भी कराना, ये भी इच्छा शक्ति के अंदर ही आता है। और व्यक्तिगत रूप से देखते हैं, इसका अर्थ सीधा सीधा ये है कि वे स्वयं रुचि ले रहे हैं जनता के मुद्दों पर, जनता के समस्याओं पर। क्योंकि 37 साल बाद यहाँ पर कार्यकाल दोबारा शुरू हुआ और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दोबारा सत्ता की कुर्सी पर आसीन हुए, महत्वपूर्ण विषय। तो यहाँ पर विपक्ष का कहना यह है कि सरकार केवल और केवल वादे करती है, काम कुछ नहीं करती है, केवल और केवल छलावा है और जो व्यवस्था है उत्तर प्रदेश की वो खराब होती जा रही है। खैर, विपक्ष का तो काम आरोप प्रत्यारोप का रहता ही है, पर जिस तरह से विपक्ष 111 विधायकों के साथ भूमिका में आया है, समाजवादी पार्टी की हम बात कर रहे हैं, तो अभी आपने देखा कि मानसून सत्र में भी किस तरह है, वो बिल्कुल चुनौतीपूर्ण समय रहा, पैदल मार्च भी किया और जनता के बीच यही बताते नजर आए कि सरकार हमको जवाब देना नहीं चाहती है। फिलहाल कुछ बयान सुनते हैं, इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। जब से उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, यहाँ पे महिलाओं पर अत्याचार बढ़ा, बेरोजगारी बढ़ी, महंगाई बढ़ी, बच्चों की फीस बढ़ी, कानून व्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त हुई, चारों तरफ चोरी, डकैती, हत्या, लूट मार, बलात्कार बढ़े 6 महीने में उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार में यही तो हुआ है। सरकार की 6 महीने की उपलब्धि क्या है? बेटियों पे अत्याचार और बलात्कार, अपराधी कर रहे हैं मौज, जनता कर रही है चित्कार, तबादलों में भारी भ्रष्टाचार, दलित मंत्री अपने उत्पीड़न की कर रहे हैं गुहार, किसान भूखे मर रहे हैं, खा रहे हैं लाठी युवा जो मांग रहे हैं रोजगार, बस यही है 6 महीने की योगी सरकार। तो हमने देखा किस तरह से यहां पर विपक्ष का आरोप है कि सरकार यहां पर काम नहीं कर रही है, और सरकार का अपना कहना है कि हमने जो काम किए हैं वो अब तक कोई नहीं किया है और जो हमारा कार्यकाल पिछला रहा उस कार्यकाल से आगे बढ़कर हम काम कर रहे हैं। क्योंकि पिछले कार्यकाल के लगभग 2 साल कोरोना महामारी के चलते उतना हम विकास का पटकथा नहीं लिख पाए जितना कि होनी चाहिए थी। उस वैश्विक महामारी में लोगों को बचाना सरकार की सबसे बड़ी प्राथमिकता रही और योगी आदित्यनाथ ने टीम 11 टीम 9 के माध्यम से बहुत हद तक इस विभीषिका में जनता को बचाए रखा और साथ साथ जो आर्थिक व्यवस्था है उसको सुचारू रूप से रखना भी एक अपने आप में बहुत बड़ी चुनौती थी, जिसको भी सरकार ने बखूबी निभाया। उसके बाद जब चुनाव हुए और 10 मार्च को 2022 के विधानसभा चुनाव का परिणाम आया, तो परिणाम जैसा कि उम्मीद की जा रही थी, एग्जिट पोल बता रहे थे, परिणाम वैसा ही आया और भारतीय जनता पार्टी 37 साल पुराने मिथक को तोड़कर यहाँ पर दोबारा सत्ता पर आसीन हुई और योगी आदित्यनाथ दोबारा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने और उसके बाद से जो सक्रियता है वो लगातार नजर आ रही है। क्योंकि यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण बात ये भी है कि कार्यकाल पूरा होना और कार्यकाल के साथ उस दूसरे कार्यकाल की शुरुआत करना
और उसके बाद भी महत्वपूर्ण है कि रोडमैप बना के काम करना। 3 महीने का, 6 महीने का, 100 दिन का, मैंने आपको बताया कि रोड मैप बना के काम चल रहा है। और उससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि उस रोडमैप को लागू कराना, समीक्षा कराना और जनता के बीच पहुंचाना। चाहे हम गौ सेवा पोर्टल की बात करें और चाहे अन्य व्यवस्थाओं की बात करें, चाहे स्वास्थ्य व्यवस्थाओं की बात करें, कि देख रहे हैं हम किस तरह से उत्तर प्रदेश सरकार के डिप्टी सीएम और स्वास्थ्य मंत्री ब्रजेश पाठक स्वयं अस्पतालों में जाकर वहाँ की स्थिति को मुआयना कर रहे हैं और वहाँ पर निर्देश भी दे रहे हैं, और गलती अगर पाई जा रही है तो वहाँ पर भी आवश्यक कड़ी कार्रवाई सरकार के द्वारा हो रही है। और उससे भी महत्वपूर्ण यहाँ पर यह है कि जिस तरह से बुलडोजर चल रहा है वो भी बिल्कुल चर्चा में है, क्योंकि सरकार का पहला कार्यकाल भी उसी हिसाब से रहा, दूसरे कार्यकाल में उतनी सक्रियता के साथ दुगनी सक्रियता नजर आ रही है, और माफियाओं को नेस्त नाबूद करने के लिए लगातार सरकार का यहाँ पर बुलडोजर चलता नजर आ रहा है। अगर आप माफिया हैं तो या फिर आपको अपने अपराधों को छोड़ना होगा, अगर नहीं छोड़ते हैं तो फिर आप पर सरकार कार्रवाई करेगी। अवैध संपत्ति जो आपने अर्जित की है, जनता के खून को चूस कर, जनता को परेशान करके, उनके साथ अन्याय करके, अपराध को बढ़ावा दे के, उन अवैध संपत्तियों पर सरकार लगातार हमलावर है और बुलडोजर के माध्यम से, और तमाम जो संस्थाएं हैं वो भी लगातार यहाँ पर कार्रवाई करती नजर आ रही हैं, क्योंकि उनका मानना यह है कि अगर हमको बेहतर उत्तर प्रदेश चाहिए, उत्तर प्रदेश को वास्तव में उत्तम प्रदेश की तरफ अग्रसर करना है, तो कहीं ना कहीं कानून व्यवस्था को यहाँ पर बेहतर करने का जरूर करना होगा। हालांकि सरकार का अपना सोचना है और सरकार की अपनी व्यवस्थाएं हैं, सरकार का अपना ये भी बात है कि बड़ा प्रदेश है, बड़ी जनसंख्या है, तो यहाँ पर लोगों को बनाए रखना, यहाँ को लोगों को जोड़ना और यहाँ पर लोगों के साथ एक व्यवस्थाओं को लागू कराना भी बहुत महत्वपूर्ण यहाँ पर चुनौती रहती है, और सरकार लगातार अलग अलग योजनाओं के माध्यम से जनता को लाभ भी पहुँचा रही है। तमाम तरह की योजनाएं ऐसी रही जो आज भी चल रही हैं, और तमाम तरह की योजनाओं के माध्यम से अब जनता बता रही है कि किस तरह हमने बेहतर काम यहाँ पर किया है, क्योंकि यहाँ पर जो सरकार का एजेंडा शुरू से रहा है कि विकास की गति को बढ़ाना है, कानून व्यवस्था को बेहतर करना है, और महिलाओं को लेकर भी यहाँ पर सरकार सजग है। इसीलिए इस कार्यकाल में हमने देखा कि विधानसभा सत्र में, यानी जो 5 दिन का विधानसभा सत्र था, उस सत्र में भी एक दिन महिलाओं के लिए दिया गया था कि महिलाएं भी वहाँ पर अपनी बात कहें, और महिलाओं ने अपनी बात वहाँ कही। यानी उत्तर प्रदेश के विधानसभा के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ था कि विधानसभा सत्र का एक दिन पूरा पूरा महिलाओं के नाम किया गया था। इसमें आपकी महिलाओं की बात करें तो 47 महिलाएं जो विधायक हैं वो, और 6 महिलाएं जो विधान परिषद में हैं, सभी ने अपनी अपनी यहाँ पर बात रखी, बताया कि हाँ अगर आधी आबादी देश की उन्नति में, विकास में कदम से कदम मिलाकर चल सकती है, तो निश्चित रूप से उस आधी आबादी को भी यहाँ पर हक मिलने का पूरा अधिकार है। और यहाँ पर एक सत्र जो कि 5 दिन का सत्र था, 19 से 23 तारीख तक सत्र था, उस सत्र में 22 सितंबर को, यानी सत्र के चौथे दिन, एक महत्वपूर्ण वहाँ पर व्यवस्था दी गई और बताया गया कि अब सत्र में हम आगे बढ़ेंगे और महिलाओं को यहाँ पर जगह देंगे। इसके साथ ही महत्वपूर्ण यहाँ पर यह भी है कि अगर यहाँ पर आगे बढ़ना है, यहाँ पर चीज़ें समझनी हैं, और यहाँ पर अगर सरकार को बेहतर अपना काम करना है, तो कुछ बदलाव भी यहाँ पर करने बहुत ज़रूरी हैं, क्योंकि अगर आप बदलाव नहीं करेंगे तो यहाँ पर व्यवस्थाएं खराब रहेंगी। फिलहाल महत्वपूर्ण विषय है, उस पर चर्चा करने के लिए सारे मेहमान जुड़ सकते हैं हमारे साथ। आपको रूबरू करा, तारिक खान हमारी पार्टी अपना पक्ष रखेंगे, केसी जैन साहब भारतीय जनता पार्टी अपना पक्ष रखेंगे, इरम रिजवी प्रवक्ता आपके रूप में अपना पक्ष रखेंगी, प्रवक्ता कांग्रेस के रूप में चंद्रेश कुमार सिंह अपना पक्ष रखेंगे, और वरिष्ठ पत्रकार के रूप में पवन श्रीवास्तव जी अपना पक्ष रखेंगे। सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। तो यहाँ पर पहला हमारा जो सवाल रहेगा वो नेता भाजपा केसी जैन साहब से रहेगा। किसी जी, महत्वपूर्ण यहाँ पर कार्यकाल शुरू हुआ, 25 मार्च को सरकार का दूसरे कार्यकाल की शुरुआत हुई, और उसके बाद जैसा कि उम्मीद की जा रही थी वैसे ही रोड मैप की तरह यहाँ पर काम करती नजर आ रही है, और 6 माह का कार्यकाल पूरा हो चुका है। जो योजनाएं बनाई थी, जो उन्होंने एक समय सीमा निर्धारित की थी, उन योजनाओं को यहाँ पर पूरा करने की बात सरकार द्वारा कही जा रही है। तो विपक्ष का आरोप है कि सरकार कानून व्यवस्था, महिलाओं की सुरक्षा, तमाम जो मुद्दे हैं उन पर पूरी फेल हो चुकी है और केवल जनता को छला जा रहा है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए गौरव जी, विपक्ष का काम है आरोप लगाना और सरकार को, लेकिन अगर देखा जाए तो केंद्र की पिछली
सात साल की सरकार, आठ साल की सरकार। उत्तर प्रदेश की देखी जाए तो एक तरीके से पांच साल पिछले और छह महीने ये साढ़े पांच साल की सरकार होगी। तो क्या इतने लंबे समय में सरकार का एक भी काम ऐसा नहीं जिसकी सराहना विपक्ष कर सके? लेकिन विपक्ष सिर्फ और सिर्फ आरोप लगाने के बजाय एक भी काम की सराहना विपक्ष नहीं करने वाला है जी। तो इससे क्या माने निकाले जाए कि विपक्ष का काम सिर्फ इतना है कि सरकार कितने भी अच्छे काम कर ले, लेकिन विपक्ष का काम है सिर्फ सरकार को कोसना। अब आप देखिए कि जब पीएफआई के संगठन पे जब जब सरकार ने कार्रवाई की, उत्तर प्रदेश में जब कार्रवाई हुई तब तब कहा गया कि नहीं आप देश की भावना से कार्रवाई कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में इसी 100 से ज्यादा जो दुर्दांत अपराधी थे जब वो मारे गए तो उनकी जात ढूंढने लगा विपक्ष, ये मुस्लिम थे, ये यादव थे, ये वर्मा थे, ये पंडित थे, ठाकुर थे, मतलब हर एक की कोई ना कोई जात तो होगी ना जी। बिल्कुल, जातिहीन समाज तो है नहीं भारत देश का, हर एक व्यक्ति के पीछे कोई ना कोई जात तो लगी हुई है जी। बिल्कुल, तो किसी को दलित बता दिया, किसी को ओबीसी बता दिया, किसी को जो है अल्पसंख्यक बता दिया, किसी को सवर्ण बता दिया, किसी को पंडित बता दिया, किसी को ठाकुर बता, तो बचा क्या जी? कोई तो जात का होगा ही जो अपराधी है जी। लेकिन अपराधी की कोई जात नहीं होती। बिल्कुल, ये विपक्ष नहीं समझता है जी। दूसरी बात कि आप देखिए कि जब गोरखपुर में एक आतंकवादी मानसिकता का व्यक्ति घुस गया तो वही पार्टी जो लगातार आतंकवादियों के मुकदमे वापस लेती रही है उसके श्री अखिलेश यादव जी सामने आ गए और उसको क्लेरिफिकेशन पहले दे दिया। अच्छा, उसको सर्टिफिकेट पहले दे दिया निर्दोष होने का। अरे वो तो विक्षिप्त था, अरे आतंकवादी तो विक्षिप्त ही होते, सारे आतंकवादी विक्षिप्त होते हैं। आतंकवादी वही बनेगा जो व्यक्ति विक्षिप्त मानसिकता का है जी। और जब उसकी कॉल डिटेल, उसका मोबाइल और उसके मोबाइल में वीडियो सारी चीजें सर्च की गई और उससे जब पूछताछ हुई तो ये निकला वो सीधे सीधे पाकिस्तान के आतंकवादी संगठनों से जुड़ा हुआ है जी। तो कुल मिलाकर के आप देखिए उत्तर प्रदेश जहां लगातार विकास की ओर बढ़ रहा है, आप देखिए पहले कितने मेडिकल कॉलेज थे आज कितने मेडिकल कॉलेज है, पहले कितने एक्सप्रेसवे थे आज कितने एक्सप्रेसवे है, पहले कितनी यूनिवर्सिटी थी आज कितनी यूनिवर्सिटी है। तो लगातार उत्तर प्रदेश आगे की ओर बढ़ रहा है। और देखिए, और मैं आपको चीज बताऊं, चाहे वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के द्वारा हो, जो लोग अपना विकास करना चाहते, जो लोग काम करना चाह रहे हैं उनको सरकार 10 लाख रुपए से 20 लाख रुपए तक लोन उपलब्ध करा रही है कि वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के अंतर्गत वो काम कर सकते हैं। साथ ही साथ नौकरियों की बात करते हैं, समाजवादी पार्टी की सरकार में समाजवादी पार्टी ने कहा कि उन्होंने 2.5 लाख नौकरियां दी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में 5 लाख नौकरियां दी गई, अभी कोई नौकरी नहीं दी गई इनके हिसाब से। तो कुल मिलाकर के अपराधियों पे कार्रवाई होता है उनको दिक्कत है, उत्तर प्रदेश में विकास होता है उनको दिक्कत है, अगर जो है जो आतंकवादी है उन पे कार्रवाई होता है उनको दिक्कत है, आतंकवादी मानसिकता का संगठन पीएफआई पे कार्रवाई होता है उनको दिक्कत है, लव जिहादियों पे कार्रवाई होता है उनको दिक्कत है। तो विपक्ष का काम केवल और केवल सरकार को कोसना है, जबकि उत्तर प्रदेश की जनता ने एक बार नहीं कई बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार पर मोहर लगाई है और समाजवादी पार्टी और विपक्ष की अन्य सरकारों को नकारा है, अस्वीकारा है। आप देखिए बीएसपी पूर्ण रूप से खत्म हो गई, कांग्रेस पूर्ण रूप से खत्म हो गई और समाजवादी पार्टी अपने दम पे सैकड़ा भी नहीं पार कर पाती है, इसके पहले तो 50 सीटें भी नहीं ला पाई। तो कोई मिला करके जनता ने जिसपे मोहर लगाई है इससे बड़ी तो कोई अदालत है नहीं। ठीक, सरकार के लिए अदालत सबसे बड़ी जनता की अदालत है। ठीक, ठीक है। और जब ये चुनाव जीत जाए तो संविधान आगे बढ़ता है। अच्छा। और जब ये चुनाव हार जाए तो संविधान की हत्या हो जाती है। अच्छा। इस तरीके की परिभाषा करता है विपक्ष। ठीक। और सदन में चर्चा नहीं करेंगे जी। जब सदन होगा, अरे आपको सदन के बाहर अगर कुछ करना है आप सदन नहीं चलना है, अब आइए रोड पे, आप नहीं आएंगे रोड पे, लेकिन हमारी तस्वीरें कैसे टीवी चैनलों पे आए इसके लिए सदन पे जाने के लिए सदन में चर्चा नहीं करेंगे, रोड जाम करेंगे, अव्यवस्था पैदा करेंगे और जब पुलिस इनको रोकेगी तो कहेगी लीजिए पुलिस हमको जो है प्रदर्शन भी नहीं करने दे रही है। अरे जब आप सदन जा रहे हैं, 4 दिन का 5 दिन का सदन है, आप सदन में सवाल उठाइए, जनता के जो सवाल उठा रहे हैं। ठीक है, सड़क पे तो सड़क पे चीजें नहीं हल हो जाएगी, सड़क पे हाथ उतरिए ना। ठीक है, आप नहीं उतरेंगे सड़क पे। जवाब लेता हूँ प्रवक्ता सभा तारिक भाई जी। भाई क्यों आप, अगर सरकार कुछ बेहतर कर रही है तो उसका थोड़ा समर्थन कर दिया करिए, क्यों आप जो हर चीज में कमी निकालते हैं? अगर कोई आतंकवादी पकड़ा जा रहा है तो क्यों उसको आप क्लीन चिट दे देते पहले? भाई नाराजगी है भाई, अगर बेहतर काम हो रहा है तो थोड़ा पीएफआई पे अगर कार्रवाई हुई है समर्थन करना चाहिए भाई आप लोगों को, देश जरूरी है भाई। हाँ,
अभी जैन साहब ने कहा कि हम लोग सड़कों पे प्रदर्शन करते थे, हाँ भाई भाजपा तो खेतों में जाके प्रदर्शन करती थी। अच्छा, मैंने जब से भाजपा का गठन हुआ 80 से जी, मैंने आज तक भाजपा को सड़क पे प्रदर्शन करते हुए नहीं देखा। ये जाते थे खेत खलियान, वहां प्रदर्शन करते थे। अच्छा। पहली बात का जवाब उनके। अच्छा, दूसरी बात इन्होंने कहा समझ नहीं पाया आपकी बात को, खेत खलियान में कैसे जाते थे? अरे भाई ये कह रहे हैं हम लोग सड़क पे आते हैं, तो हम लोग कह रहे हैं हम सड़क पे आते हैं, तो ये भी तो सड़क ही पे आते थे। अच्छा। ये क्या किसान ये क्या खेतों में जाके प्रदर्शन करते थे? अच्छा। प्रदर्शन सड़कों पर ही होता है। अच्छा, अच्छा। तो जब हम सड़क पे आते हैं तो कह रहे हैं अव्यवस्था हो रही है, तो तब क्या होती थी? जब आप की जो है मंत्री जी आज की जो ईरानी साहिबा वो सिलेंडर लेके सड़कों पे बैठती थी, वो क्या खेतों में ले जाके बैठती थी? खैर अब ये आरोप लगाते हैं। देखिए यह सीधा सा एक मैटर है गौरव भाई, मैनिफेस्टो जो इन्होंने दिया था संकल्प पत्र, ये 6 महीने हो गए, बात उसी पे होनी चाहिए। स्कूटी की बात गौरव भाई किसने की थी? जी। शायद कांग्रेस ने की थी जी। नहीं, मैंने इनका मैनिफेस्टो पढ़ा। अच्छा। इन्होंने लिखा मैनिफेस्टो में कि कॉलेज जाने वाली लड़की को एक स्कूटी देंगे, एक नहीं 3-3 बांट दी है। अच्छा। दो तीन लोगों के घर में जबरन जाके स्कूटी घसोड़ के आए ये लोग, वो लोग अच्छा। मना कर रहे थे कि मेरे पास पहले से है, तो स्कूटी ले गए उनके घर के अंदर जबरदस्ती ढकेल दिया। अच्छा। कि ये लो। क्या हुआ उसका? एक दिन अलॉट किया महिला के लिए। अच्छा। एक दिन अलॉट किया था ना, अभी कोई काम हुआ? स्कूटी वाली बात कहां गई? मैनिफेस्टो में लिखा हुआ है, जवाब दें अभी, कार्रवाई चल रही है, यही बता दें। हम लोग का तो विपक्ष का काम है ना सवाल उठाना, तो स्कूटी आपने मैनिफेस्टो में कहा था कहां पहुंचा? यूपीएससी में कहा था, क्योंकि महिला का मामला बड़ा गर्म रहा है गौरव भाई, इसलिए महिला की बात पहले कर रहा हूं। यूपीएससी और तमाम सरकारी नौकरियों में महिला की संख्या डबल करने की बात की थी। कैसे होगी? अच्छा। कैसे होगी डबल? जब आरक्षण की बात करते तो आप चुप थे, कैसे डबल करेंगे, तरीका क्या है? जैन साहब के पास कोई जवाब नहीं होगा इसका कि कैसे करेंगे, क्योंकि मैनिफेस्टो में तो ऐसा ही लिख दिया था। स्कूटी वाला क्या कांग्रेस को कॉपी करके लिख दिया था? क्यों लिखा था फिर? उसका जवाब देना चाहिए। 3 महिला बटालियन बनाने के लिए कहा था, 3 नहीं 3,000 बन चुकी है महिला बटालियन, और मैं अभी देख के आया हूं, ये भी कह रहा हूं। फिर किसान का भी बड़ा 1 करोड़ महिलाओं को लोन देने की भी बात कही थी। अच्छा। मिल गया लोन महिलाओं को? अगर मिला है तो वो महिला कार्यकाल हुआ 100 रुपए अलग होगा। अरे गौरव भाई मैं कह रहा हूँ 6 महीने हुए आपके, तो आप बताएं तो कि आपकी ये योजना जो आपने तो कहा था 6 महीने में। देखिए पहले तो ये कह दें कि मैनिफेस्टो झूठ है। अच्छा। अगर कह दें तो नहीं डिस्कस करते हैं, वरना 6 महीने में अगर किसी चीज पे डिस्कस होना चाहिए गौरव भाई, तो सिर्फ मैनिफेस्टो पे होना चाहिए कि आप, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो पूरा हो जाए, आप बताइए कि आपने 1 कदम चला, आधा चला, 2.5 चला, 1.5 चला, 10 चला, 0.1 चला, 0.5 चला, या 0 चला? मेरे हिसाब से 0 चला। अच्छा। स्कूटी का वादा फिर क्यों किया था? उस बिना पर आपको महिलाओं का वोट मिला होगा ना, तो मैनिफेस्टो का एनालिसिस होना चाहिए। मुफ्त बिजली किसान को कहा था, दे दिया, बहुत ज्यादा मिल गई। आलू टमाटर प्याज पे कहा था समर्थन मूल्य देंगे, मिल गया, शायद मिल गया होगा, चल के किसानों से पूछते हैं। 14 दिन में बोला था कि गन्ने का पेमेंट करेंगे वरना इंटरेस्ट देंगे। ठीक। वेस्टर्न यूपी में सबसे ज्यादा गन्ना बोया जाता है और गन्ने के किसान हैं वहां पर, कितने लोग इंटरेस्ट पाए जी। या तो ये खुद एनालिसिस कर लें और या कोई वेस्टर्न यूपी का होगा इतने लोगों में, तो अभी बता देगा कि कितने लोग पाए, तो कितना कदम आगे आप चले, इसको भी तो बताना पड़ेगा ना हमको। हम लोग तो खाली विरोध करते हैं, और खाली विरोध करते होते हैं तो जब आपने, अरे चुपिया अभी बोलिएगा, अभी आपका नंबर आएगा तब बोलिएगा, जब आपने महिला की बात की तो अखिलेश साहब ने समर्थन किया नहीं किया? उस दिन अखिलेश साहब ने कहा कि आज कोई विरोध नहीं होगा। ये क्या है, ये क्या है? महिला की बात आपने की कि एक दिन महिला को अलॉट होगा जी, तो हमने समर्थन किया उस पे जी, हमने कौन सा विरोध किया? ठीक है, हमने कौन सा विरोध किया? लेकिन जब हम सड़क पे आते हैं तो आप कहते हैं अव्यवस्था कर रहे हैं, धारा 370 पे वॉकआउट कर जाते हैं। अरे चुप जाइए, आतंकवादियों के मुकदमे वापस लेते हैं, नंबर आएगा तब बोलिएगा। मैं आपको बताऊं, किसानों की जो आप बात कर रहे हैं, किसानों को आपने दिया क्या? अरे आपका नंबर आएगा तब बोलिएगा जैन साहब, पूरा माफ किया किसानों को जैन साहब, 20 मिनट आएगा तब बोलिएगा। जवाब लेता जवाब लेता हूं जवाब लेता हूं उत्तर प्रदेश सरकार ने नंबर आएगा तब बोलिएगा जी, अपने दब पे माफ किया जी, किसानों का 36,000 करोड़ रुपए वो पिछली सरकार ने किया था। सरकार जब गई थी जी, समाजवादी पार्टी की जब सरकार गई थी, 21,000 करोड़ रुपया बकाया था गन्ना किसानों का, 21,000 करोड़ रुपया, उसका भुगतान
भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने आकर 14 दिन में पेमेंट का सवाल पूछा है, आप बताएंगे इमली, यही दिक्कत है। मात्र और मात्र 14 दिन में पेमेंट, महिलाओं को स्कूटी मिल गई, मात्र 4,000 करोड़ में स्कूटी मिल गई महिलाओं को, डिग्री जो लड़की कॉलेज जाती है सरकार ने चुनाव से पहले भुगतान कर दिया उसका भी। भाई बटालियन को मैं बताऊं, बटालियन की बड़ा शुरुआत हो गई है। बटालियन का तारिक भाई, जैन साहब तारिक, बटालियन की बात करूं, 3 बटालियन की स्वीकृति दे दी गई है, बलरामपुर, जालौन, मिर्जापुर में बटालियन बनाई जाएंगी। मुबारकबाद करो भाई। तो अब मैंने कहा ना कि हो सकता है अगले कार्यकाल यानी अगले 6 महीने का रोड मैप बनाया हो, पता हो रोड मैप बता दे, स्कूटी कहां है महिला वाली, इनको तो पता ही नहीं है कि स्कूटी देने का वादा किया था, अपना मैनिफेस्टो पढ़ते नहीं है, सवाल हमारे ऊपर जी, जो देने का वादा किया था, महिलाओं के साथ अपराध होते थे। देखिए देखिए देखिए, सबसे बड़ी उपलब्धि ये है कि महिलाएं अगले अगले हो सकता है अगले 6 महीने का रोड मैप, 6 महीने बता दो, दे पहले टायर दे देना, महिलाएं एक टायर दे दे बेचारे को, रख ले महिलाएं, देख तो ले कम से कम। और संगठित अपराध को आप लोग बढ़ावा दे रहे थे, 5,000 लोगों को जो गिरफ्तार करके जेल भेजा है, जिनके खिलाफ एनबीडब्ल्यू जारी था 2012 से लेके 2017 तक एनबीडब्ल्यू जारी रहा, गिरफ्तार नहीं कर पाए, उसमें महिलाओं की हत्याएं भी थी, रेपिस्ट भी थे, लुटेरे भी थे, डकैत भी थे, लेकिन ये उन 5,000 लोगों को गिरफ्तार नहीं कर पा रहे थे, और उन्हीं में से 100 दुर्दांत अपराधी मारे गए पुलिस के इनकाउंटर में, जिसपे सवाल खड़ा करते कहते आपने इनकाउंटर में मार क्यों दिया, ये भी उपलब्धि है सरकार की, जेल भेजा होता सरकार की, अगर आपने पकड़ के जेल भेज दिया होता तो इनकाउंटर करने की नौबत नहीं आती। और जब बुलडोजर चलता है दुर्दांत अपराधियों के घरों पर, तो ये उसके लिए सेफ जोन में भी उतर आते हैं, उसमें महिलाओं का क्या दोष, अरे आपने गाड़ी चोरी की, किसी व्यक्ति ने गाड़ी चोरी की, उसमें आप अपनी वाइफ को बैठा के घुमा रहे, तो पुलिस को चालान करते समय पता चल गया चोरी की गाड़ी है, तो उस महिला के लिए छोड़ देंगे गाड़ी, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, हो गया। बाकी मेहमान को ले लें, हमारे इरम रिजवी जी आम आदमी पार्टी से है। इरम जी, सरकार के दूसरे कार्यकाल की 6 महीने पूरे हो चुके हैं और सरकार की उपलब्धियां हैं वो सरकार अपनी बता रही है, जिसमें तमाम चर्चा तारिक भाई ने भी की, जो एजेंडे में थे उनकी कुछ भी काम करने की स्वीकृति दे दी गई है, कुछ काम पूरे हुए हैं, आप इस 6 महीने कार्यकाल को कैसे देखते हैं जी? आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में जो कार्य है, तो ये तो सबसे बड़ी जो है सरकार की विपक्ष की नाकामयाबी है, जिसकी वजह से वो दोबारा रिपीट हुए हैं, पहली बात ये है। अच्छा। दूसरी बात, अभी महोदय मैं सुन रही थी, बीजेपी के नेता जी बड़े अच्छे से वो कह रहे थे कि हमने अपने कार्यकाल में बहुत अच्छी उपलब्धियां की, तो उनकी सबसे बड़ी उपलब्धियां महिलाओं के बारे में कह रहे थे। हाँ। तो महिलाओं के बारे में अभी हाल ही में आपने देखा है अंकिता के बारे में जी, अंकिता सिंह और अंकिता भंडारी। अच्छा। क्या ये महिलाएं नहीं थी? इनको कितना इनको जो है वो मिला है, मैं इनसे पूछना चाहती हूँ किस महिला को संरक्षण मिल रहा है? हमारे जो है गृह मंत्री जी कहते हैं कि अगर उत्तर प्रदेश में महिलाएं इतनी सुरक्षित हैं कि आधी रात को बाहर चली जाएं और हाँ, वो सुरक्षित है हाँ, तो एक बार मैं आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहूंगी कि उत्तर प्रदेश में मैं अपने गृह मंत्री जी से कहूंगी कि एक बार वो गहना पहनकर आधी रात में चले जाएं, उसके बाद वो अपने मुंह से ही बताएंगे कि उनके साथ क्या हुआ, मैं नहीं बताऊंगी। अच्छा, तो आपको लगता है कि स्थिति खराब है? स्थिति इतनी खराब है कि मेरी भी बेटियां हैं। अच्छा। मैं भी किसी की बेटी हूँ। अच्छा। जब मैं देर से घर पहुंचती हूँ तो मेरी माँ मेरे बाप को फिक्र होती है, अगर कभी मेरा फोन बंद होता है या ऑफ हो जाता है तो मैं जल्दी से किसी और नंबर से उनको कॉल करती हूँ कि मेरी बैटरी ऑफ हो गई है जी। तो ये है उत्तर प्रदेश के माँ बाप की चिंता। अच्छा। उनके बच्चे कहाँ है, क्योंकि वो सुरक्षित नहीं है। पूर्ववर्ती सरकारों में थी ऐसी बात? पूर्ववर्ती सरकारों में थी रही ऐसी बात? पूर्ववर्ती सरकार ही रही है, बसपा सरकार भी रही है, सपा सरकार भी रही है, उसमें क्या स्थिति रही? देखिए, अभी जो भाई साहब ने गिनाया है जी, कि सुरक्षा को लेकर काम करना जी, ना सपा ने काम करा है जी, ना बस जो है भाजपा ने काम करा है। अच्छा, महिलाओं की सुरक्षा पे काम कहाँ हुआ है? अच्छछा, एक दिन आपने महिलाओं के नाम कर दिया जी, उससे आपको उससे क्या मिला महिलाओं जी? जो महिलाएं विधानसभा में पहुंची हैं वो डिजर्व करती थी, उनको आप खैरात में मत दीजिए, सबसे पहली बात। अच्छा,
ये आप सोचिए कि मैंने एक दिन महिलाओं को दे दिया। 18वीं विधानसभा के पहली बार ऐसा हुआ है कि एक दिन महिलाओं के नाम किया गया है। महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण उपलब्धि है रम जी यहाँ पर जी, सरकार कोई भी रही हो उपलब्धि महत्वपूर्ण है यहाँ पर। महिलाएं डिजर्व करती हैं गौरव भाई, जो महिलाएं समाज से लड़के भिड़ के हालात से लड़ती भिड़ती वहां तक पहुंची हैं, वो महिलाएं डिजर्व करती हैं, और ऐसी महिलाओं को मैं दिल से सलाम करती हूं। अच्छा, और जो एक इन्होंने अस्पताल की बात की, सुन लीजिए, अस्पताल की बात करी कि अस्पताल व्यवस्था इनकी बहुत अच्छी है जी। तो उसमें एक छोटी नवजात शिशु जिसको कह सकते हैं आप, उसको चींटियों ने खा लिया। अच्छा, ये हमारे जो है भाजपा के राज में हुआ, ये हमारी मोदी सरकार की राज में हुआ। अच्छा, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। चंदेश भाई कांग्रेस से, चंदेश भाई सरकार का 6 माह का कार्यकाल पूरा हो गया है और सरकार ने बताया है कि जो भी एजेंडे में था वो हमने पूरा किया है। जनसा भी लेता हूँ आपकी बात। आबादी कितनी, उत्तर प्रदेश की आबादी कितनी है जी? उत्तर प्रदेश की आबादी कितनी है, दिल्ली की आबादी कितनी है? हाँ, उत्तर प्रदेश की 1/10 आबादी भी रही दिल्ली की, और उसके बाद में भी जो महिलाओं के साथ अपराध होते हैं सबसे ज्यादा दिल्ली में हो रहे हैं। दिल्ली क्या सुरक्षा दे रही है? पंजाब में कहा था कि हम जो ये शराब का भ्रष्टाचार है खत्म कर देंगे, हम जो ड्रग्स का व्यापार है खत्म कर देंगे, और ड्रग्स का व्यापार उससे ज्यादा मजबूत रहा है। और जब लोग ड्रग्स की चपेट में आते हैं तो कैसे कैसे अपराध करते हैं, किसी से छुपा हुआ नहीं है, और उसी ड्रग्स के व्यापार को बढ़ावा दे रहे हैं। शराब के घोटाले में इनके मंत्री जेल जाते हैं, इनके तमाम सारे अधिकारी जेल जाते हैं। शराब के लिए जो एज 21 साल थी उसको घटा के 18 साल कर देते हैं। शराब की दुकानें और मेहमानों को ले लें, 12 बजे तक खुल दिया। केसी भाई और मेहमानों को ले लें, फिर जवाब लेता हूँ। संदेश भाई अपनी बात पूरी करिए। उत्तर प्रदेश सरकार के पिछले 6 साल के 6 महीने के कार्यकाल को देखने के बाद मुझे लगता है कि इससे खराब कार्यकाल उत्तर प्रदेश में किसी सरकार का अब तक नहीं रहा। अच्छा, किसी भाई साहब जो बात कर रहे थे, बहुत लंबी लंबी बातें कर रहे थे, उनकी बात को सुनने के बाद मुझे लगा जी कि सत्ता के नशे में ये पूर्ण रूप से मदमस्त हैं और ये अपनी सूझबूझ खो चुके हैं। अच्छा, उत्तर प्रदेश में आप महिला सुरक्षा और महिला अधिकार की बात कर रहे हैं, मैं पूछना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश सरकार ने सरकारी नौकरियों में महिलाओं के लिए कोई अतिरिक्त आरक्षण की व्यवस्था की क्या? महिलाओं के विश्वविद्यालय में दाखिले के लिए, शिक्षा के लिए, उस शिक्षा के लिए कोई व्यवस्था की क्या? महिला उत्तर प्रदेश की बालिकाओं के IIT, IIM और मेडिकल में एडमिशन के लिए जो सपने देखती है उसको साकार कराने के लिए कोई कदम उठाया क्या? उत्तर प्रदेश में एक दलित पीड़िता को कूड़े के ढेर पे रख कर जला दिया जाता है, मुख्यमंत्री मौन होकर देखते हैं, सुनते हैं, समझते? उत्तर प्रदेश की एक दल जी मुख्यमंत्री जी मौन साध लेते हैं जी। उत्तर प्रदेश में दलित पीड़िता की हत्या होती है, बलात्कार होता है जी, मुख्यमंत्री मौन साध लेते हैं। अच्छा, उत्तर प्रदेश में एक पीड़िता थाने में बलात्कार का रपट लिखाने जाती है, थानेदार उसके साथ बलात्कार करता है, मुख्यमंत्री मौन साध लेते हैं, ऐसा उत्तर प्रदेश को मुख्यमंत्री जी ने बना दिया है। केसी भाई साहब ने अभी कहा कि दिल्ली में महिलाओं के साथ बलात्संग हो रहा है। केसी भाई साहब आपकी बात का मैं समर्थन करता हूँ कि दिल्ली के महिलाएं सुरक्षित नहीं है। आज भाजपा के प्रवक्ता ने इस बात को स्वीकार किया, दिल्ली की पुलिस और दिल्ली की सुरक्षा की व्यवस्था किसके हाथ में है? केंद्र सरकार के हाथ में है कि नहीं है? गृह मंत्रालय के हाथ में है कि नहीं है? आप क्या कर रहे हैं केसी भाई साहब, आपको जवाब देना पड़ेगा। सब कुछ उत्तर प्रदेश में आपने कहा कि अपराध गुंडागर्दी खत्म हो गया है, दिल्ली की सरकार सोचे है, मैं आपको बताना चाहता हूँ उसी अयोध्या में, उसी राम के नगरी में 5 साल की ब्राह्मण की लड़की के साथ बलात्कार किया जाता है, मुख्यमंत्री अपराधियों का कुछ नहीं कर पाते हैं। आपने कहा कि विपक्ष अपराधियों का समर्थन करता है, आपको शर्म आनी चाहिए। अरे उत्तर प्रदेश को योगी आदित्यनाथ ने माफिया स्टेट बना दिया है, माफिया स्टेट, एक ऐसा स्टेट जहां न लोकतंत्र है, जहां न लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं हैं। कहां पे आप भाषण दे रहे हैं? उत्तर प्रदेश की थानों से उत्तर प्रदेश की सरकार चलाई जा रही है। ये चुनावी मंच है क्या?
ऐसा उत्तर प्रदेश इन्होंने बनाया है, उत्तर प्रदेश को इन्होंने कैसा उत्तर प्रदेश बनाया है जहां बेखौफ थानेदार होटल में घुसकर एक व्यापारी की हत्या कर देता है, ऐसा ऐसा उत्तर प्रदेश इन्होंने बनाया है। नीति आयोग के एक रिपोर्ट के अनुसार उत्तर प्रदेश भारत के सर्वाधिक गरीब राज्य की श्रेणी में आ गया है। योगी आदित्यनाथ जी ने ऐसा उत्तर प्रदेश बनाया है। और सुनिए, पूर्व गृह राज्य मंत्री जो उत्तर प्रदेश की बेटी के साथ बलात्कार करते हैं, उससे अपने शरीर की जबरदस्ती मालिश कराते हैं, उनके ऊपर से मुकदमे ये वापस ले लेते हैं। अरे सुन लीजिए संदेश भाई, अभी हमने देखा क्या हुआ। संदेश भाई, केसी भाई बोल रहे हैं कि क्या मंच पे है क्या आप, चुनावी मंच पे है क्या आप कि डिबेट नहीं, हम मंच पर केसी भाई साहब जवाब देना। इन्होंने तो कहा कि दिल्ली की बेटियां सुरक्षित नहीं है। अरे दिल्ली की पुलिस किसके हाथ में है भाई, आपके हाथ में है, गृह मंत्रालय के हाथ में है। कोई पवन जी आपसे जी बोलना चाह रहे हैं, वरिष्ठ पत्रकार है, उनकी बात भी ले लें। पवन जी आपके बोलिए। पवन जी, माननीय लोग हैं, माननीय प्रवक्ता महोदय लोग हैं जी, अभी सच्चाई बहुत कड़वी होती है, करेले की तरह, नीम की तरह जी। ये भी एक्सेप्ट मिला के बोलेंगे हम तो, ये करेला भी दोनों मिला के बोलेंगे भाई जी। ये सच्चाई कड़वी होती है जी, और जब कड़वी होती है जी तो उसका इफेक्ट भी पड़ता है जी। कुछ नहीं होगा अगर हम भाजपा के पक्ष में, अगर हमारी बातें भाजपा के पक्ष में जा रही हैं तो हमारे माननीय समाजवादी पार्टी, आम आदमी पार्टी, कांग्रेस ये कहेंगे गोदी मीडिया है, पत्रकार बैठा हुआ। सिंपल सी बात समझिएगा सर, अगर हम भाजपा के, हमारी बातें इनके विपरीत में जा रही हैं ठीक है ना, तो भाजपा वाले कहेंगे कि ये सब मिल गए हैं, राहुल गांधी ने परचेज कर लिया है इनको। सिंपल देखिए, लेकिन ये है कि सच्चाई कड़वी होती है, सच्चाई कड़वी होती है। हम माननीय जो है प्रवक्ता महोदय समाजवादी पार्टी को भी सुना हमने, केसी जैन जी को भी हमने सुना, आम आदमी पार्टी की जो प्रवक्ता महोदया हैं उनको भी हमने सुना, और अभी हम माननीय चंद्रेश जी की भी जो है हम चुनावी रैली वाली सभा हम सुन रहे हैं। अच्छा, चुनावी रैली जी। एक सच्चाई तो ये है, इसको एक्सेप्ट करना होगा। आप लोग अपने हृदय पे जी, आप चार मैं थोड़ा सा आपको वरिष्ठ पत्रकार महोदय बीच में टोकूंगा जी। मैंने जो बात कही वो बात चुनावी रैली और प्रधानमंत्री के जुमले की तरह नहीं है, वो बात ये उत्तर प्रदेश सच्चाई है। इस प्रदेश में राम राज्य के नाम की बात की जाती है, राम के नाम पर सत्ता में भारतीय जनता पार्टी के लोग आए हैं, उसी प्रदेश के थाने में एक पीड़िता का जो बलात्कार की शिकायत थी, न्याय मांगने के लिए थानेदार बलात्कार करता है। और इसी गंभीर बात को यदि आप एक चुनावी भाषण के रूप में समझ रहे हैं तो मुझे लगता है कि अपनी पत्रकारिता की डिग्री को आपको आग लगाकर जला देनी चाहिए। आपको पत्रकारिता करने का नैतिक अधिकार नहीं होना चाहिए। उत्तर प्रदेश में अभी लखीमपुर खीरी में एक 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 दलित बेटी का बलात्कार किया गया और उसको हत्या कर दी गई, और आप कह रहे हैं कि हमारी बातें चुनावी रैली है, एक दलित कूड़े के ढेर पे रख कर जला दिया। ठीक है, जवाब देते हैं भाई। संदेश भाई, हो गया हो गया, शर्म आनी चाहिए भाई, हो गया। जवाब जवाब दे, जवाब दे। उत्तर प्रदेश में महिलाओं की शिक्षा के लिए, सुरक्षा के लिए, तो आप कह रहे हैं कि चंद्रेश जी चुनावी रैली कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश की बेटियों की आवाज है, उत्तर प्रदेश की वंचित किया, चुनावी रैली लगता है, अपने पत्रकारिता पर विचार करने की आवश्यकता है। ये चुनावी रैली नहीं है, ये आवाम की आवाज है। ठीक है ठीक है, बोलिए पवन जी, बोलिए। श्रीमान जी आप बोल चुके जी, बोलिए आप, बोलिए। चंद्रेश जी आप बोल चुके, अभी और कुछ बोलना है आपको, रह गया हो तो आप बोल डालिए, फिर आप हम आप बात करेंगे, अपनी बात हम रखेंगे, ज्यादा अच्छा होगा। नहीं, आपकी बात पर हमें गहरी आपत्ति है, जो आपकी आपत्ति हम दूर कर देंगे, आपसे लेकर के राहुल गांधी जी तक और प्रियंका गांधी जी तक सबको दूर कर देंगे, आपकी गलतफहमी सारी दूर हो जाएगी।
ठीक है, ये जो तड़क भड़क आप दिखा रहे हैं, हमारी गलतफहमी दूर मत, आप बोलिए मत, अब आप बोलिए मत, मेरी बात सुनिएगा, ये जंगल है उसको दूर करिए, उस पर जवाब दीजिए, मेरी गलतफहमी को दूर करने के लिए आप यहाँ नहीं बैठे हैं। अरे सुनिए तो, मुझे कोई गलतफहमी है जिसको आपको दूर करने की आवश्यकता है। पहली बात पत्रकार महोदय जान लीजिए, चंद्रेश सिंह को कोई गलतफहमी नहीं है और मेरे जुबान से निकलूंगी एक बात, गंगा की तरह पवित्र है, राहुल जी के, प्रियंका जी के लोग अगर प्रवक्ता महोदय लोग इस तरह से वाणी का इस्तेमाल अपने करेंगे, ये दुर्भाग है जी, ये दुर्भाग है जी। ठीक है, आप पहले प्रवक्ता महोदय जी, पहले पवन जी को आप समझ जाइए जी, फिर आप उनके बारे में टिप्पणी करते ज्यादा अच्छा होता। पवन जी जो कह रहे थे उसको पूरा सुन लेते, आप अपनी बात रखते। एक अच्छा प्रवक्ता, एक अच्छा प्रवक्ता वही होता है जो श्रोता होता है, वही वक्ता हो पाता है। पहले तो इसको आप समझिएगा सर, हो सकता है हम आपसे नॉलेज में कम हो, आपसे जानकारी में कम हो, लेकिन आज 18 वर्ष हमको हो गए पत्रकारिता क्षेत्र में, राजमुख्यालय पे। सिंपल सी बात है, कहीं ना कहीं जो भी आपके मन में रहा होगा आपने निकाल दिया, अच्छा किया आपने, बहुत अच्छे अच्छे शब्द इस्तेमाल किए हैं, लेकिन ठीक है। अब हम तो भारतीय जनता पार्टी की तरफ जा रहे थे, जो उनकी कुछ कमियां 6 महीने में हैं, लेकिन आपने मोड़ दिया तो हम आपकी तरफ ही आना चाह रहे हैं। और एक बात कान खोल करके सुन लीजिए, बीच में टोका टिप्पणी मत करिएगा, आप सुनिएगा सुनिएगा सुनिएगा, जाने की आप गलत जा रहे हैं, जाने की हिम्मत चाहिए, उधर जाने की हिम्मत चाहिए, आपको क्यों मुड़ना है इधर, आप बताइए भारतीय जनता पार्टी के 6 महीना के उपलब्धियां महिलाओं के संबंध में आप क्यों मुड़ना चाहते हैं भैया, क्यों मुड़ना चाहते हैं और मेहमान भी है, धमकी दे रहे हैं कि मैं भाजपा की ओर जाना चाहता था, मैं कांग्रेस की तरफ, अरे बात सुन लीजिए, हिम्मत है तो भारतीय जनता पार्टी से सवाल पूछ के दिखाइए, के बने भैया, कहां से आपने पढ़ाई की है सर, सुन लीजिए, किसने आपको प्रवक्ता बना दिया सर जी, आपको किसने प्रवक्ता बना दिया, आप क्या जानते हैं, आपको जो सवाल पूछने वो बात कहिए, सुन तो लीजिए, क्यों सवाल जवाब कर रहे हैं आप, उत्तर प्रदेश की जनता को बताइए जो बताना चाहते हैं, ना मुझे बताइए और ना मेरी गलतफहमी दूर करिए, मुझे कोई गलतफहमी नहीं है, आप है और गलतफहमी में आप अपनी गलतफहमी को दूर करिए। आज जी बोलिए आप चंद्रेश जी, अब कृपया होगी मैं हाथ जोड़ लें आपसे जी, ये प्रवक्ता नहीं होते, सुन लीजिए चंद्रेश भाई, सुन लीजिए, आपने बोला किसी ने कोई नहीं, आपने गलत किया, आप एज ए प्रवक्ता की तरह अपनी बात नहीं रखे, आप मंच समझ रख चुके थे इसको, आप गलत जा रहे हैं, आप समझने की सुनने की इच्छा रखिए आप जी, अगर आप बोल रहे हैं आप सुनिए, एक अच्छे वक्ता बनिए आप जी, आप केवल उंगली उठाएंगे आप किसी के ऊपर जी, हमारी पत्रकारिता के ऊपर उंगली उठाएंगे आप जी, ये भाजपा के प्रवक्ता नहीं रख सकते हैं, आप समाजवादी पार्टी के नहीं रख सकते हैं, अब आप कांग्रेस की बात कर रहे हैं, आप अपने यहां लीडर से बात करिएगा कि पवन सरावस्तु कौन है, आप सुनिए मेरी बात जो हम कह रहे हैं, कान खोल करके सुनिए, ये जो 70 साल की जंगल राज है पूरे भारत में, पूरे उत्तर प्रदेश में, ये कांग्रेस की देन है, आप नहीं समझ रहे हैं कांग्रेस ने क्या किया है, आज जनता ने अगर उनको सड़क पे लाके उतार दिया है, समाजवादी पार्टी को सीट दे रहे हैं, बहन मायावती जी को दे रहे हैं, चेयर दे रहे हैं, इसके पीछे केवल आप हैं, अगर यही गलती भारतीय जनता पार्टी करेगी उसको भी उतार देगी, आप क्या समझते हैं, कांग्रेस ने इसको धरती को मिटा दिया है पूरा, आप नहीं समझ रहे हैं क्या किया कांग्रेस ने 70 साल, अभी आप ग्रामीण क्षेत्रों में जाइए, अभी भोजन नहीं मिलता है लोगों को, आज निशुल्क योजना देकर के भारतीय जनता पार्टी जो भी है जैसे भी है लोगों को अन्न जा रहा है, पेट में भोजन जा रहा है, आप कहां जानते हैं लोगों की माए, हमारी माए, आपकी माए, आपकी भी माँ होंगी, भोजन बनाती थी, सुबह भोजन बनाती थी, आंखों से आंसू निकलता था, आप कहां हैं, सुबह भोजन करती थी, एक बहन हमारी बैठी हुई है आम आदमी पार्टी की, ये जो है सुबह बाथरूम जो है टॉयलेट बाथरूम सुबह जाते थे लोग, दिन में नहीं जाते थे, भोजन नहीं करते थे, कि वो जाएंगे कहां पे, शौचालय के निर्माण भारतीय जनता पार्टी ने कराया, उसको अगर कोई अच्छा कहे तो आपको बुरा लगेगा, आपने 70 साल जंगल राज किया, क्या दिया भारतवासियों को आपने, इस पे आप नहीं समझेंगे अगर आपके बारे में कोई बताए। अब यहीं पर मैं टोकता हूँ, इन्होंने बड़ी एक स्पष्ट बात उठाई कि 70 सालों में हमने भारत को क्या दिया, 70 साल में देश के अंदर कई विश्वविद्यालय बने,
देश के अंदर आईआईटी बने, आईआईएम बने, पंचायती राज व्यवस्था को हमने दिया, हर ब्लॉक में हमने हॉस्पिटल दिया, हर जिले में अस्पताल दिया, मेडिकल कॉलेज दिया, गांव से गांव को सड़कों से जोड़ा, नहर पुल पानी हर चीज दिया, हमने भारत को भारत बनाया। 70 साल में 1000 साल से जो देश गुलाम था उसको विश्व के पटल पर स्थापित करने का काम किया, 70 साल की उपलब्धि पंचवर्षीय परियोजनाओं के माध्यम से बड़े बड़े डैम बनाए गए, किसानों को अधिकार दिया गया, हमने सूचना का अधिकार दिया और सूचना के अधिकार के साथ साथ भूमि अधिग्रहण बिल लाकर किसानों को भी सम्मान का अधिकार देने का काम किया, किसी ऋण माफी का काम किया, बढ़ती हुई गरीबी पत्रकारिता और अपनी दृष्टि पर विचार करने के लिए पत्रकारिता को दो राज्यों में जीत करके गांधी जी मेरी बात को ये आप जैसे लोग नेता राहुल गांधी आपको रखते हैं, प्रियंका गांधी आपको रखते हैं, कांग्रेस का दुर्भाग होगा। आप पहली बात जब पवन जी ने बोलना शुरू किया तो उन्होंने किसी पर टिप्पणी नहीं की, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को भी आड़े हाथों लिया, कांग्रेस को भी लिया, सपा को भी लिया, सबको उन्होंने लिया की देखिये अच्छे बोलेंगे जिसके पक्ष में बोलेंगे तो कहेंगे ये पार्ट ये सही है, लेकिन जिसके पक्ष में बोलेंगे वो हमारी आलोचना करेगा। उन्होंने सिर्फ इतनी बात कही, इतनी बात पे ही कांग्रेस के साथी हमारे भड़क गए एकदम और बहुत जिद निकाल दी। और यहाँ तक हो गया, हो गया यहाँ तक कह दिया कि आप अपनी डिग्रियां जला दीजिए, यानी एक पत्रकार को हमें लगता है इससे बड़ी गाली नहीं होगी। आप एक पत्रकार को सलाह दे रहे हैं कि आप अपनी डिग्रियां जला दीजिए, पर्सनल आक्षेप नहीं करना चाहिए, आप डिग्रियां जला दीजिए, हमें लगता है पत्रकार के इससे बड़ी गाली नहीं होगी। आप ना चैनल की बात करके ऐसी दूसरी बात यह है अमित शाह के हाथ में है, इसलिए दिल्ली की बेटियां सुरक्षित नहीं है, ये जमा भी अदालत जनता को देना पड़ेगा। सबसे बड़ी अगर अदालत है तो जनता की अदालत, और जनता की अदालत में अभी 5 राज्यों के चुनाव, पांच की 5 राज्यों में से कांग्रेस का कहीं पे खाता नहीं खुला, तो इससे कांग्रेस को अपना मूल्यांकन करना चाहिए कि वास्तव में कांग्रेस को जनता कितना सहा रही है और कितना जनता ने स्वीकार कर लिया है। सुन लीजिए, अरे मैंने शुरू किया है यात्रा नहीं हो रही भाई, सुन लीजिए। देखिए गौरव जी, सुन लीजिए, यात्रा की बात ही नहीं है गौरव जी, और यात्रा 5 राज्यों के चुनाव में 5 किलोमीटर दिखाइए ना भाई, सुन लीजिए, सुन लीजिए, ब्राह्मण मानिएगा, सुन लीजिए, सुन लीजिए। अभी यहाँ पर एक तुकुनिया कांड हुआ था लखीमपुर में, तो प्रतिस्पर्धा चल रही थी, सुन जाइए मेरी बात को, जवाब दीजिएगा आराम से, ठीक है। तुकुनिया कांड हुआ, प्रतिस्पर्धा चल रही थी और बड़े बड़े मंत्री यहाँ पर आ रहे थे, चाहे चरणजीत सिंह चन्नी हो और चाहे भूपेश बघेल हो, और प्रतिस्पर्धा चल रही थी पार्टियों के बीच में, और उसी लखीमपुर के निगासन में जो 2 बच्चियों की हत्या हो जाती है, तो वहाँ पर केवल प्रतिनिधि मंडल जाते हैं, वहाँ पर केवल ट्वीट होता है, ये दिखाता है कि कौन पार्टी कितने पानी में है,
ये घटना ये बताती है, सुन लीजिए पहले मेरा सुन लीजिए, अब यहाँ पर नहीं, अरे भाई यहाँ पर आप यहाँ पर नहीं बोलेंगे, पहले मेरा जवाब, क्या वहाँ प्रियंका गांधी गई, कि नहीं गई? प्रियंका गांधी नहीं गई, दुनिया कांड गई थी वहाँ नहीं गई, वहाँ पर केवल खाना पूर्ति हुई, प्रतिनिधिमंडल भेजा गया, वहाँ पर कोई बड़ा नेता नहीं गया, क्योंकि वो राजनीतिक घटना नहीं थी, गरीब के बच्चों के साथ गलत हुआ था, हत्या हुई थी, वहाँ पर प्रतिस्पर्धा नहीं हुई दलों में, वहाँ पर रात को वहाँ पर मेहनत नहीं की गई जाने की, ना वहाँ पर अलग अलग देशों के प्रदेशों के मुख्यमंत्री आए, पर यहाँ पर आए थे तुकनिया कांड में, क्योंकि यहाँ पर मामला राजनीतिक था, तो हमारे प्रदेश में राजनीतिक रोटियां सेकी जाती है, इस बात को स्वीकारिए और किसी को भी पर्सनल आक्षेप करने की जरूरत नहीं है। डिबेट का एक महत्व मूल होता है कि पहले सुनिए फिर जवाब दीजिए, और सबको यहाँ सुनने का भी मौका है और सुनाने का भी मौका है। अब हमारे साथ नेता भाजपा कुछ बोलेंगे, मैं तारिक भाई को लेता हूँ, सुन लीजिए चंदेश भाई, सबको सुनने का मौका मिलेगा, मेरा जवाब भी दीजिएगा, आप बोलिए सर, केजी भाई बोलिए। देखिए गौरव जी, आपने सही बात कही, देखिए डिबेट का उद्देश्य ये है कि आपके लाखों लाख जो दर्शक हैं उन तक एक समीक्षा पहुंचे और सबकी बात पहुंचे, सब लोग एक साथ बोले कि किसी की बात नहीं पहुंची, जनता एक निर्णय ले और आपके लाखों लाख करोड़ों जो दर्शक हैं उन तक बात पहुंच सके और सबकी बारी बारी से बात, सबको पहली बात। दूसरी बात ये है गौरव जी कि देखिए मैं ये कह रहा था कि अभी 5 राज्यों में चुनाव, कांग्रेस का खाता कहां पर खुला, एक भी प्रदेश में खाता नहीं खुलने पाया कांग्रेस का। दूसरी बात ये कि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की कितनी सीटें निकली, उसूल में उत्तर प्रदेश में मतलब प्रियंका जी आती है जी, और इतना प्रचार प्रसार करती है जी, टूरिस्ट बनकर के आती है, राजनीतिक टूरिस्ट बनकर के और फिर यहाँ से चली जाती है। राहुल गांधी जी यहाँ से चुनाव हार जाते हैं तो वायनाड चले जाते हैं, क्या उत्तर प्रदेश के प्रति उनकी कोई जिम्मेदारी नहीं? उत्तर प्रदेश के कार्यकर्ता, उत्तर प्रदेश की जनता, जिनको जिन्होंने उनको हमेशा गद्दी पे बैठाया, जो उत्तर प्रदेश से चुन करके ही इनके चाहे पिताजी रहे हो, चाहे इनकी दादी रही हो, चाहे इनके नाना रहे हो, जो भी आए उत्तर प्रदेश से चुन के मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री की कुर्सी तक पहुंचे, लेकिन ये छोड़ करके वायनाड भाग गए, तो इसलिए जनता ने इनको अस्वीकार कर दिया, जनता ने नकार दिया। तो देखिए आपके जितने मुद्दे थे वो चाहे आप नोटबंदी का मुद्दा उठा रहे थे, फिर आप नोटबंदी का मुद्दा लेके आए, जनता ने आपको सिरे से खारिज कर दिया, आपने जीएसटी का बहुत उठाया उसको जनता ने खारिज कर दिया, आपने धारा 370 हटने का विरोध किया जनता ने उसको खारिज कर दिया, आपने सीए का विरोध किया जनता ने उस मुद्दे को खारिज कर दिया। तो कुल मिलाकर के जो भी राष्ट्र के हित के मुद्दे हैं, अगर हमारे भाई हमारे परिवार के लोग कहीं हमारे पास के देशों में रह रहे हैं और वो अगर भारत देश में वापस आना चाहते हैं, सीए के द्वारा सिविल अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा अगर वो वापस आके बस रहे जो वहां प्रताड़ित है, आपको क्या दिक्कत है? सीए को वहां इतने दिन हो गया, कौन सा भारत देश का क्या एक भी मुसलमान यहाँ से खदेड़ दिया गया? नहीं खदेड़ा गया, लेकिन आपने भ्रम फैलाया। इसी तरीके से कोरोना काल पे भी आपने भ्रम फैलाया कि नहीं पहले वैक्सीन प्रधानमंत्री लगवावे, पहले वैक्सीन मोदी जी लगवावे, पहले वैक्सीन योगी जी लगवावे, ये फ्रॉड है, ये फर्जी वैक्सीन है। यानी कि इतनी बड़ी महामारी पे अगर भारत देश एक वैक्सीन लेकर के आता है जिसके पूरे विश्व में सराहना हो रही है, लेकिन आपने उसकी भी अवहेलना की, भारत देश के जो वैज्ञानिक थे उनको आपने सिरे से खारिज कर दिया, ताई फर्जी वैक्सीन है, ये पानी की डोज लगाई जा रही है, पहले प्रधानमंत्री वैक्सीनेशन कराया अपना, जबकि प्रधानमंत्री जी ने कहा पहले डॉक्टर्स लगाएंगे, क्यों डॉक्टर्स की टीम लगाएगी? क्योंकि उनके जीवन को खतरा सबसे ज्यादा है, लेकिन आप हर बात पे सवाल खड़ा कर रहे हैं और जनता आपको खारिज कर रही है। तो कुल मिला करके ये जो अभी चंद्रेश जी बोल रहे थे ये इनकी हताशा बोल रही थी और कुछ नहीं था। ठीक है तारिक भाई अपनी बात पूरी करिए, चंद्रेश भाई को लेता हूँ, बोलिए तारिक भाई। बड़ा गर्मा जब हम लोग इंटरव्यू देने जाया करते थे जी, तो कभी कभी एक एरिया ऑफ इंटरेस्ट इंटरव्यू लेने वाला पूछ लेता था कि आप अपना एरिया ऑफ इंटरेस्ट बता दीजिए, हम उसी से सवाल पूछ। अच्छा, लेकिन इंटरव्यू मुश्किल तब हो जाता था जब एरिया ऑफ इंटरेस्ट से बाहर निकल जाता था जी। इनका एरिया ऑफ इंटरेस्ट मुसलमान पे बात करो, पाकिस्तान पे बात करो। अच्छा। और जैसे ही इनके एरिया ऑफ इंटरेस्ट से हम बाहर निकलते हैं, मदरसा सर्वे पे बात कर लो, यही सब। अच्छा, इनका विपरीत दिशा में जैसे ही हम जाते हैं और पूछते हैं 2 करोड़ में से, बीच में अभी प्रवचन दे रहे थे, चुप रहिए, अभी प्रवचन दे रहे थे, चुप रहिए, डिस्टर्ब ना करिए। गौरव भाई देखिए भाई, किसी भाई सुन लीजिए, ये गलत बात है, ये गलत बात है। प्रवचन देने से पहले किसी भाई सुन लीजिए, स्वामी विवेकानंद की बातों को सुना करिए, स्वामी विवेकानंद की बातों को सुना करिए, अध्ययन किया करिए। अब सुनिए, आपको आपत्ति क्या है? अरे मैंने बात नहीं की, कुछ सुन लीजिए,
सबको मौका। अभी मैं राजू बहुरी का शेर दे दूंगा कि आपके मेरे की बात तो समाज समय हो रहा है, सुनिए से ऊपर जाना, केसी भाई समय हो गया, बोलिए बोलिए। अगर हमने राशन बांटा, अरे केसी भाई सबको लेना है, अरे केसी भाई आपकी बात कर रहा है, केसी भाई आपको भी समझाना पड़ेगा भाई, केसी भाई सुनिए तो आपके ऊपर क्या क्या प्रभाव पड़ गया क्या, अब सुनिए थोड़ा सा, केसी भाई सुनिए प्लीज सुनिए, देखिए सुनाइए। डबल इंजन का मतलब ये नहीं है डबल टाइम लेंगे, अच्छा डबल इंजन का मतलब ये नहीं है आपको डबल टाइम दिया जाएगा, टाइम बराबर दिया जाएगा आपको भी, बोले तो। अब बड़ा महत्वपूर्ण विषय था गौरव भाई ने रखा और हम यहाँ आए थे कि आज इनको घेर लेंगे और गाड़ी कहीं और लेके चले गए, और ये चाहते भी यही है गौरव भाई, अच्छा, कि गाड़ी कहीं और चली जाए, अच्छा, इस पे ना आए। नहीं हमने तो पूरा जवाब दिया, अरे साहब सुन लीजिए, अभी जवाब दीजिएगा, आपका नंबर आएगा भाई, जी भाई हम जवाब लेंगे आपसे, आखिरी कमेंट आप ही से लूंगा, अरे डबल इंजन भाग रहे हैं आप, टाइम नहीं, विपक्ष की आवाज दबाइए ना, डेमोक्रेसी का हिस्सा है, बोलिए। 2 करोड़ टैबलेट का वादा किया था क्या 15 बाकी बता दें, प्रति डिस्ट्रिक्ट डायलिसिस सेंटर कहा था बनाने का, काम कहां तक पहुंचा बता दे, बना दे नहीं गौरव भाई, बना दे नहीं पूछा है, काम कहां पर आप ना बताइएगा, अरे भाई इनको पढ़ने दीजिए भाई, मैं चाहता हूं कि ये पढ़े काबिल बने, भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता बने, जैन साहब के साथ मैं बहुत दिन से बैठ रहा हूं, अच्छा अच्छा अच्छा, 60,000 तकरीबन ग्राम पंचायत है, हर जगह इन्होंने कहा था स्टेडियम बनाएंगे और जिम बनाएंगे, तो ग्राम पंचायत छोड़िए, हर आदमी के घर में शायद बना दिया जाके इन्होंने एक एक जिम, अच्छा वो घर ही में व्यायाम करे डाल रहा है, तंदुरुस्त हो गया है, अच्छा। घर के अंदर ही जबरदस्ती चले गए, लोग मना कर रहे थे, अरे भैया रहने दीजिए रुक जाइए, कहे नहीं नहीं जिम बनाएंगे, अंदर घुस गए और जिम खोल दिया, डब्बल अम्बल रखा है, अरे भाई तकरीबन 60,000 ग्राम पंचायत, ये सवाल गौरव भाई इनसे पूछना है और इनको बगैर भागे पीएफआई पे नहीं जाना है, आज जिस दिन पीएफआई रखी उस दिन उस पे बात करेंगे, बगैर भागे रख चुका हूं पीएफआई, कहां पहुंचे, बड़े डिबेट ऊपर चली गई, एक हुआ दो हुआ, हम ये नहीं पूछ रहे आपने किया नहीं किया, मेरा सवाल इनके फेवर का है, हम पूछ रहे 2 बनाया 3 बनाया 4 बनाया कितने बने, कैसे बनेंगे, अच्छा ये अधिकार विपक्ष को संविधान दे रहा है, आप नहीं दे रहे, बिल्कुल दे रहा, बिल्कुल ठीक है, अब अगर इस पे जवाब नहीं दोगे तो जनता देख रही है, लड़ने कोई बात ही नहीं है, लेकिन मैं चाहता हूं कि जैन साहब खूब पढ़ाई करें और राष्ट्रीय प्रवक्ता बने आगे चल के, अच्छा। तो ये सब 3-4 सवाल अगली बार बता देंगे, पढ़ लेंगे, चलो अगली बार अगली बार बता देंगे, प्रवक्ता आप इरम भाई अपनी इरम जी अपनी बात करिए, इरम जी मैंने देखा दोनों लोगों ने अपनी अपनी सरकारें चलाई और दोनों ने सिर्फ एक दूसरे पर आरोप लगाया, आपकी सरकार चल रही है आप भी बताइए, बोलिए दो जगह आपकी सरकार भी आ गई है, जहाँ तक महिला सुरक्षा की बात है गौरव भाई, तो सिर्फ होल्डिंग लगा लेने से महिलाओं को सुरक्षा नहीं मिलती, बिल्कुल उसे कैसे मिलेगी भाई, सिर्फ चेहरा चमका होल्डिंग लगा के अपना चेहरा चमका लेने पर महिलाओं को सुरक्षा नहीं मिलती है, मैं पूछना चाहती हूँ बीजेपी के प्रवक्ता जी से कि महिला सुरक्षा पे पोस्टर के अलावा कोई एक काम बता दे ये कि करा है, अच्छा कितनी इन्होंने कैमरे लगाने का काम किया, कितने मार्शल तैनात किए, कितनी बसें चलाई महिलाओं के उसमें, महिलाएं कैसे इन्होंने सुरक्षा दिया सिर्फ फोटो लगा लेने से, अच्छा जवाब लेता हूँ, किसी भाई जल्दी जवाब दीजिए, चंदे भाई को लेता हूँ, बोलिए नहीं नहीं मैं आम आदमी पार्टी की बहन जी क्या कह रही थी मैं सवाल नहीं सुन पाया, कहती महिलाओं के लिए क्या किया आपने, कितनी बसें चलाई, कितनी टॉयलेट बनवाई, कितनी सुरक्षा के लिए काम किए, कितने कैमरे कराए, जी देखिए जब कैमरे लगते हैं रोडों पे जब कैमरे लगते हैं तो सिर्फ महिलाओं के लिए नहीं लगते वो कैमरे, शायद इनको ये नहीं मालूम, वो चाहे चाहे लूट की घटना हो, चाहे उसमें चोरों की घटनाएं हो, चोरी की घटनाएं हो या अन्य कोई घटना हो, कैमरे लगते हैं, कैमरे में सारी चीजें कैद होती, अच्छा वो सिर्फ महिलाओं के लिए कैमरे नहीं लगते जी। और रही बात ये कि अगर उत्तर प्रदेश ने उत्तर प्रदेश में जो पहले छेड़छाड़ की घटनाएं होती जी। साथ ही साथ उत्तर प्रदेश में महिलाएं जब खुले खुले मैदानों में शौच जाती थी, आज वो घटनाएं क्यों बंदी, क्योंकि हर घर शौचालय की व्यवस्था उत्तर प्रदेश में 5 करोड़ से ज्यादा शौचालय केंद्र सरकार और उत्तर प्रदेश के सहयोग से 5 करोड़ से ज्यादा नए शौचालय बने, तो इन शौचालयों में क्या महिलाएं शौचालय नहीं जाती है क्या, क्या पुरुषों के लिए शौचालय बने हुए क्या, अरे क्या रही है पुरुष और महिलाएं की वहां पर, कैसी भाई सुन लीजिए, लेकिन हाँ खास करके वो शौचालय इसलिए बने घर में क्योंकि पुरुष अगर बाहर जाता था उसके साथ समस्या नहीं, सबसे बड़ी समस्या महिलाओं के साथ थी, उसी चीज को ध्यान में रख करके 5 करोड़ शौचालय पिछले 5 साल में, कैसी भाई सुन लीजिए,
कह रही है क्या शौचालय बनाने से महिलाओं को सुरक्षा मिल जाएगी? किरण जी बोल रही है शौचालय में पुरुष नहीं जाते हैं, बिल्कुल मिलेगी। देखिए सबसे ज्यादा घटनाएं कहाँ होती थी? क्योंकि महिलाएं जब खुलेआम शौचालय जाती थी और मैदान में जाती थी, जाहिर सी बात है शौच के लिए कोई जाएगा तो अकेले ही जाए जी। और वहाँ पे इस तरह की जो घटनाएं होती थी जी। और वहाँ पे कोई तस्वीर गवाह भी नहीं है। सड़क पे अगर कोई घटना होती है, कोई टेम्पो से कोई किसी को खींच ले तो 10 गवाह भी है कि आप छेड़छाड़ कर रहे हैं। अगर शौचालय में वहाँ पे अकेली महिला गई है वहाँ कौन गवाह है? और लोग लाज बस महिला शिकायत भी नहीं करती थी, आज वो सारी घटना रुकी। दूसरी बात ये छेड़छाड़ की घटनाओं को रोकने के लिए लगातार उत्तर प्रदेश की पुलिस भी सक्रिय है, और साथ ही साथ वो चाहे स्कूल हो कॉलेज हो, इनके बाहर भी पुलिस तैनात की गई कि कहीं पे भी इस तरीके की घटनाएं ना हो। 1,00,000 से ज्यादा जो शिकायतें हैं पाकिस्तानी पुलिस ने किया, उत्तर प्रदेश पुलिस ने किया। और समाजवादी पार्टी के साथी जो बात कह रहे थे कि आपने कौन से काम किए, आपने तो बहुत सारे काम गिराए हैं लेकिन जनता ने उसके बाद आपको सिरे से खारिज कर दिया। आप तो काम अपने बता नहीं पाए इतने काम आपने किए 2012 से लेके 2017 और आपने गठबंधन करके ठीक है 50 सीटें नहीं ला पाए थे। इस बार भी आपने इस बार आपकी अपनी सीटें आप सैकड़ा नहीं पार कर पाए। ठीक है किसी भाई चन्ने भाई बोलिए। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता से हाँ। प्रदेश और देश की आवाम के हक और हुकूक के बारे में कोई सवाल पूछो हाँ। इनके पास एक ही जवाब है हाँ। या तो ये मुसलमान का नाम लेंगे हाँ। अथवा ये कहेंगे कि आप चुनाव हार गए। अच्छा। कांग्रेस चुनाव हार गई, सपा चुनाव हार गई, बसपा चुनाव हार गई, इसका ये उत्तर प्रदेश की गरीबी बेरोजगारी और महिलाओं के ऊपर होने वाले अपराधों के संबंध में जवाब है कि आप क्या कर रहे हैं? आपसे बड़ी विनम्रता पूर्वक मैं पूछना चाहता हूँ, केसी जैन साहब ने इसी मंच पर कहा, केसी जैन साहब ने बोल लीजिए आप ही बोल लीजिए, विवेक नहीं चलने देंगे। हो गया समय का मैं एक सवाल बड़ी विनम्रता पूर्वक यहाँ पर उठाना चाहता हूँ। इसी मंच पर केसी जैन साहब ने ये स्वीकार किया कि दिल्ली में बेटियां सुरक्षित नहीं है हाँ। आप बताइए स्वीकार किया कि नहीं किया हाँ। और दिल्ली तो की पुलिस किसके हाथ में है? दिल्ली की पुलिस गृह मंत्रालय के हाथ में है, अमित शाह के हाथ में है, दिल्ली की सुरक्षा व्यवस्था केंद्र सरकार के हाथ में है। मैं पूछना चाहता हूँ केसी जैन साहब से कि आपने ही कहा कि दिल्ली में बेटियां सुरक्षित नहीं है, तो आखिर दिल्ली में गृह मंत्रालय देश का क्या कर रहा है कि दिल्ली में हमारी बहन और बेटियां सुरक्षित नहीं है? केसी जैन साहब देश सुन रहा है और देश आपसे जवाब मांगेगा, जवाब मांगेगा। और जिस चुनाव जीतने की हिमाचल कर रहे हैं उसी देश की जनता ने 70 साल आपको सत्ता से बाहर रखा है, उसी देश की जनता ने 70 साल आपको चुनाव के मैदान में चौनट्टी मारने का काम किया है, और राहुल गांधी जी ने इस देश की जनता के हक के लिए भारत जोड़ो यात्रा निकाल दिया है। और घबराइए मत, 2024 में पुनः देश की जनता आपकी हर धर्मी, आपकी बेईमानी, आपकी भ्रष्ट सरकार को लात मारकर सत्ता से बाहर करने का कार्य करेगी। ठीक है पवन जी बोलेंगे, पवन जी बोलिए। जनता मूर्ख नहीं है, जनता बहुत होशियार है। और ये हमारे कांग्रेस के प्रवक्ता महोदय, भारतीय जनता पार्टी के महोदय प्रवक्ता हाँ। महोदय, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता महोदय हाँ। जोर शोर से चिल्ला चिल्ला करके अपनी बातें रखना, दूसरी की कमियां निकालना, ध्यान दीजिएगा, धरातल पे मजबूती की इच्छा नहीं है जी। कि हम धरातल पे मजबूत कैसे होंगे? कोई पत्रकार की कमियां निकालेगा, पत्रकार की डिग्री की कमियां निकालेगा। आप जिसे अभी बलात्कार की बात चल रही थी, ये हम सब अपने देश के संविधान पे विश्वास करते हैं और हमारा आपको हम आप सभी जानते हैं कि इधर 5-10 साल में क्या हुआ है, किस स्तर पे आया है। 21-22 का भी आया था, ठीक है, किस स्तर पे है रिपोर्ट जो आई वो आपने भी सभी लोगों ने सुना होगा, देखा होगा। और हम आप निर्भया कांड को भी नहीं भूले हैं, समझिएगा सर, न ही हम आप हर गाँव में क्षेत्र में, हम अगर इधर 15 साल भी बैक चले जाएं, उसके पहले कांग्रेस की ही सरकार थी,
कहीं बाहरी तो नहीं थी जी। हर क्षेत्र में कस्बा में कितने हम लोग की वही पत्रकारिता की शुरुआत थी जी, बिल्कुल डेली 2-4 केसेस मिलते थे जी। आज हम लोग को अगर दिन में एक नहीं मिल रहे हैं, 15 दिन पे एक मिल रहे हैं, महीने में एक मिल रहे हैं, तो कहीं ना कहीं अच्छे कार हैं, चाहे फिर वो समाजवादी पार्टी ने किया, चाहे बहुजन समाजवादी पार्टी ने किया, चाहे आज भारतीय जनता पार्टी कर रही है। लेकिन सच्चाई को एक्सेप्ट करना होगा जी। आप मजबूती से लड़िए भाई, आप भी जीतिए, आप सबसे पुरानी पार्टी है भाई, कांग्रेस पार्टी पुरानी है वो भी जीते, लेकिन अब वहां पे तोड़ मरोड़ करके किसी के ऊपर नाजायज दबाव बना करके, समझिएगा, किसी के ऊपर आरोप लगा करके कि अरे हम भाई हम अगर हमने बोल दिया कि भारतीय जनता पार्टी भाई 70 साल का जो जंगल राज था, चाहे शौचालय की बात हो, घर घर जो है योजना उज्ज्वला योजना की बात हो, बहुत सारी योजनाएं, किसान सम्मान निधि की बातें हैं, आवास की बातें हैं, देखिए आवास इंदिरा गांधी पर से ही शुरुआत किया गया था, कुछ योजनाएं, समझिएगा, लेकिन धरातल पे क्या हुआ, ये वही हमारे यहाँ के माननीय थे, अब तो बेचारे नहीं है हमारी इस दुनिया में, कि एक रुपया वहां चलता है तो भारत में कितने यहाँ निचले स्तर पे कितने पहुंचता है, ये सब इन्हीं के लोगों ने कहा था, कांग्रेस ने कहा था, कि कोई दूसरा तो नहीं कहा था। आपको मेहनत करना होगा, आप भारतीय जनता पार्टी की तरह बनिए, बनिए का तात्पर्य है आप जमीन स्तर पे जाइए, लोगों के घर तक जाइए, अपनी योजनाएं बताइए कि आप क्या कर रहे हैं, जहां गड़बड़ी वहां पे धरना प्रदर्शन दीजिए, लेकिन आप जो इनकी अच्छाइयां हैं उसको एक्सेप्ट करिए। अगर आप अच्छे काम कर रहे हैं, जैसे बहुत सारी योजनाएं हैं, अभी तो आज 4 दिन से तो एक जो है अब उसी पे जिसपे हम लोग चर्चा नहीं करना चाह रहे थे, वो नाम आ ही जाता है बार बार उस पे, चाहे लालू जी के देखिए आप कमेंट्स देखिए, समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव जी की कमेंट देखिए, कांग्रेस की कमेंट देखिए, जो जनता पसंद नहीं करती है आप उस पे उसके पक्ष में क्यों जा रहे हैं आप भाई, आप देश की बात करिए ना, राष्ट्र की बात करिए, भारतवासियों को राष्ट्र की बात पसंद है, जो भी उसको करेगा वो उसको राजगद्दी मिलेगा, हम इतना जानते हैं, जनता को मूर्ख नहीं बनाया जा सकता। अगर भारतीय जनता पार्टी ने इनके अंदर भी अगर आ गया, अहम आ गया, तो ये भी चले जाएंगे जी। आम आदमी आदमी पार्टी चली आएगी, आप आ चली आएगी, समाजवादी पार्टी चली आएगी, कांग्रेस चली आएगी, लेकिन अगर वो जनता के साथ जुड़े हैं, काम कर रहे हैं, तो उनको समय समय पे उनका उत्साह वर्तन होता रहेगा और उनको जीत मिलती रही रही है जी। ये निश्चित है और सामने हमारे आपके दिख रहा है जी। अभी हम कह दें कि जो अभी 24 में चुनाव में एक साल रह गया है, कांग्रेस जमीनी स्तर पे 0 है, तो अभी भाई साहब भड़क उठेंगे। अभी हम कहते हैं बसपा 0 है, हाँ। वो भड़क उठेंगे जी। अभी हम कहते हैं कि भाई हमारे उत्तर प्रदेश की बात करें, बाहर की तो नहीं जानते हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी और आम आदमी पार्टी लड़ाई में है, हाँ। भारतीय जनता पार्टी के आसपास जी, कांग्रेस दिखाई नहीं पड़ रही है, तो ये बुरा मान जाएंगे, इसमें बुरा मानने वाली कोई बात नहीं है। ठीक ठीक है, ठीक है भाई जी, आप सभी मेहमानों को इस कार्यक्रम में जुड़ने के बहुत धन्यवाद। तो यहाँ पर हमने देखा कि उत्तर प्रदेश सरकार के दूसरे कार्यकाल की 6 माह की उपलब्धियां पर चर्चा हुई, विपक्ष के अपने आरोप कि सरकार ने जो मैनिफेस्टो जारी किया था उसके आसपास भी नहीं है, केवल और केवल जनता के साथ छलावा कर रही है। सरकार का कहना है कि जो जो हमने कहा वो हम लगातार करते नजर आ रहे हैं, और चूंकि रोडमैप हमने बनाया हुआ है कि 3 महीने में कौन सा काम पूरा करना है, 6 महीने में कौन सी योजनाओं को पूरा करना है, 1 साल में कौन सी योजनाओं को पूरा करना है, चरणबद्ध तरीके से सारी योजनाओं को हम पूरा करेंगे और वैसी लेकर हमने ये रोडमैप बनाया है। खैर आने वाले समय में कितनी योजनाएँ पूरी होंगी, कितनी योजनाओं में बेहतर क्रियान्वयन हुआ, कितनी योजनाओं में कमी आएगी, वो वक्त बताएगा, पर रोडमैप के हिसाब से, क्रियान्वयन के हिसाब से, समीक्षा के हिसाब से अगर योजनाएँ बनाते हैं उस पर काम होता है, निश्चित रूप से फायदा यहाँ जनता को ही है, और जनता को अगर फायदा मिलता तो जनता हमेशा ही वही फैसला करती है जो जनता के लिए बेहतर होता है। और हमारे चुनाव निकाय चुनाव भी हैं और 24 चुनाव भी है, जनता किसको अपना वोट देगी, किसको अपना समर्थन देगी, वो यक्ष प्रश्न है, पर एक बात तो साफ है, जो जनता संघर्ष करेगा, जो जनता के मुद्दे उठाएगा, वो जनता के लिए लड़ाई लड़ेगा, वही जनता का असली उम्मीदवार होगा। तो आज की चर्चा में इतना ही, मुझे नमस्कार। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस